राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष और बॉलीवुड के फिल्म राइटर मिघरत ने आज आसरीन हुसैन की पुस्तक मुसाफिर का विमोचन किया। प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में पंकज मेहता ने कहा कि साहित्य क्षेत्र में कार्य करना तपस्या से कम नहीं है और यह पुस्तक लिखकर इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ये भविष्य में और उन्नति करेंगी। मुंबई से आए बॉलीवुड राइटर मिघरत सिंह ने कहा कि मैं इस पुस्तक के लिए लेखिका को बधाई देता हूं और भविष्य में मुझसे जो भी सहयोग अपेक्षित होगा मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा। इस दौरान शिक्षाविद डॉक्टर तुलसी तापड़िया, संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर संजय धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार दीपक परिहार, असलम रोमी, पंकज पारीक, ब्रजेश विजयवर्गीय, मिस मेघना, ब्यूटीशियन नीता पारेख सहित कई अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की संयोजक और स्माइल संस्था चलाने वाली अर्चना राजावत ने बताया कि हमारा उद्देश्य, लक्ष्य और कार्य किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को मदद करना एवं उन्हें आगे बढ़ाना है। मेरी अम्मी बहुत फिलोसफिकल बातें करती हैं, तो जीन्स में वो चीज़ रही। फिर लिखना मेरे लिए ऐसा है कि मैंने 9th से शुरू कर दिया था जब मैं थी, तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे और फिल्में देखकर, कहानियाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ कहानियाँ कहने के लिए। तो शायद वहीं से मैं इंस्पायर हो गई कहानियाँ कहने के लिए, जो अपने अंदर वर्ड्स थे उनको लेकर। आसरीन हुसैन, राजस्थान कोटा। उपस्थित भाइयों और बहन आसिम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और ये दुआ कि आपका ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। आप पुस्तकों के साथ साथ बड़े ग्रंथ भी लिखे, प्रांत में और देश में झगड़े पैदा हो रहे हैं। अगर हम धैर्यवान बन जाएं, तो मैं समझता हूँ इन सब समस्याओं का समाधान संभव है। आसिन ने बहुत छोटी उम्र में ये काम किया। मैं समझता हूँ साहित्य के क्षेत्र में काम करना एक तपस्या के समान है। इसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत लंबे समय गुजर जाने के बाद ख्याति मिलती है। केवल ख्याति ही प्राप्त होती है। इन्होंने जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी ये ताकत और मजबूत हो, ताकि आने वाले दिनों में ये और पुस्तकें लिखें, इनकी ये साहित्य की यात्रा आगे बढ़ती चली जाए। भाई मेघरत जी हमारे बीच हैं, आपने कोटा में नाट्य कला संस्थानों के माध्यम से जुड़कर रामलीला की और अन्य नाटकों का मंचन किया। आप बम्बई पधारे, वहाँ पर आपने लेखन का काम प्रारंभ किया और आज खुशी है कि आप डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं। मैं आपकी भी इस सफल यात्रा की शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और अधिक सफल हो और हमारे कोटा का नाम गौरवान्वित करें।